द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड। मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी लोग चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, ये बात बिलियनियर एलन मस्क ने कही थी। तो ऐसी क्या चीज है जो उनको और बाकी दूसरे बिलियनियर को भीड़ से अलग करती है? क्या ये पैसा है या फेम है या उनका लक्ष्य? एलन मस्क कोई मल्टी मिलियनियर पैदा नहीं हुए थे। सेम चीज स्टीव जॉब्स और जॉन डी रॉकफेलर के साथ भी है। एक ऐसा मेथड है, एक कोड जो कोई भी फॉलो कर सकता है और उनकी ही तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। यही बात आप इस बुक से सीखने वाले हैं। हर चीज पहले आपके दिमाग से शुरू होती है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी थिंकिंग बदलने की जरूरत है। जैसे वो एप्पल इंक का स्लोगन भी कहता है, थिंक डिफरेंटली। इस बुक में आपको अपने फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने का तरीका सिखाया जाएगा। अगर आप दूसरे लोगों की ही तरह सोचेंगे और एक्ट करेंगे तो कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। आपको इतना स्ट्रोंग बनना पड़ेगा कि हर तरह के क्रिटिज्म को आसानी से फेस कर सके और अपनी जिंदगी की सच्ची खुशी आपको हासिल हो। ट्रांसेंड द कल्चरस्केप, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था। आपके आसपास की वो हर चीज जिसे आप लाइफ कहते हैं, आप ही के जैसे लोगों ने बनाई है। हम सब की लाइफ रूल्स से चलती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। आपको स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कॉलेज जाना चाहिए, कोई हाई पेइंग जॉब करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। यहाँ तक हमें कैसा दिखना चाहिए, क्या फील करना चाहिए, ये सब भी सोसाइटी के हिसाब से ही तय होता है। क्या रीजन है इसके पीछे? ह्यूमैनिटी ने हमारे लिए ये रूल्स बनाए हैं। हम इन रूल्स, आइडियाज, बिलीफ और प्रैक्टिस के समंदर में तैरने वाली फिश की तरह है। सोसाइटी हमेशा यही एक्सपेक्ट करती है कि हम ये रूल्स माने और फॉलो करें। मगर पॉइंट ये है कि अब ये रूल्स बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमें अपाहिज बना रहे हैं और कुछ नहीं बल्कि हमें पीछे की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको ये रूल्स तोड़ने ही पड़ेंगे। चलिए लेखक की खुद की स्टोरी पर एक नजर डालते हैं। विशेन लाखियानी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते थे। विनय एम्प्लॉइज की वेलकम पार्टी में बिल गेट्स से भी मिल चुके हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए विशेन ने बहुत हार्ड वर्क किया है। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इस सब के बाद विशेन को तो बहुत खुश होना चाहिए था। आखिरकार उनके पास इतनी ग्रेट कंपनी में एक स्टेबल जॉब जो थी। उन्होंने तब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लोग उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान समझते हैं। मगर इस सब के बावजूद विशेन खुश नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। दरअसल विशेन एक फोटोग्राफर या कोई स्टेज एक्टर बनना चाहते थे, मगर ये सोसाइटी ऐसी जॉब्स को सक्सेसफुल प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखती है। लोग अक्सर कहते हैं कि फोटोग्राफी या एक्टिंग में कोई पैसा नहीं है। लोगों को लगता है कि विशेन को भी कोई 9 to 5 जॉब ही करनी चाहिए। और इस तरह विशेन लाखियानी ने भी अपने सपनों को कुर्बानी दे दी। क्या रूल्स सही है? क्वेश्चन द रूल्स। आज जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, हमसे पहले वाले लोगों ने बनाए थे। अगर देखा जाए तो ये रूल्स कुछ नहीं है, बस लोगों की ओपिनियन है और हम सिर्फ इसलिए इन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे पैदा होने से भी पहले से चले आ रहे हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हम रेशनल हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा फैसला सिर्फ हमारे माइंड से निकला है, मगर हम माने या ना माने हमारी हर सोच हमारे दोस्तों, परिवार और कल्चर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती रहती है। वैसे अपना ट्रेडिशन फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ही देखिए कि हर दिन दुनिया कितनी तेजी से इवोल्व हो रही है। तो जो इसके रूल्स हैं, बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं, वे भी तो इवोल्व होने चाहिए। अगर आप भी उन्हीं चीजों में बिलीव करेंगे जिनमें सब करते हैं तो आप रेशनल नहीं हैं। अगर आप बिना सोचे समझे चीजों को यूं ही एक्सेप्ट करते रहेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। इसलिए रूल्स पर सवाल उठाए क्योंकि आपके पास सोचने के लिए एक दिमाग है। रूल्स चाहे राइट हो या रॉन्ग, आप अपने डिसीजन खुद ले। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करो। एक बार एक 9 साल का हिंदू लड़का मैकडोनाल्ड का बर्गर खाना चाहता था क्योंकि उसने इसके बहुत से एडवर्टाइजमेंट देखे थे। मैकडोनाल्ड की एक ब्रांच उसके घर के पास ही खुल रही थी, मगर उस लड़के को एक प्रॉब्लम थी कि वो बीफ नहीं खा सकता था। अब मैकडोनाल्ड के उस एड्स की वजह से उस लड़के को लगता था कि ये बर्गर उसकी जिंदगी का सबसे बढ़िया मील होगा। फिर भी ऐसा कुछ था जो उसको रोक रहा था, तो वो लड़का अपनी माँ के पास गया और पूछा, मैं बीफ क्यों नहीं खा सकता?
उसकी माँ ने प्यार से उसे समझाया कि ये उनके रिलीजन और कल्चर का एक पार्ट है। फिर भी लड़का क्यूरियस रहा, बाकी लोग भी तो बीफ खाते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं खा सकते? उसने फिर पूछा, तो उसकी माँ ने कहा, तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं पता कर लेते? तो इस 9 साल के लड़की ने एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा तो उसे पता लगा कि एंशियंट हिंदू लोग काऊ को बड़ा यूजफुल मानते थे, क्योंकि ये उनकी फार्मिंग में बड़े काम आती थी। काऊ दूध देती थी तो हिंदुओं को लगता था कि काऊ इतने काम की है तो इसे क्यों खाए, जब खाने के लिए बाकी जानवर है। और फिर लास्ट में उसकी माँ ने उसे बीफ बर्गर टेस्ट करने के लिए अलो कर दिया। लड़के ने फील किया कि मैकडोनाल्ड का बर्गर यूं ही ओवररेटेड किया गया है, ये उतना भी बेस्ट मील नहीं है। मगर इससे उसने कुछ सीख भी जरूर ली। प्रैक्टिस कोशिश इंजीनियरिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आजकल की लाइफ में किसी काम के नहीं है। हमें अपनी खुद की थिंकिंग के हिसाब से कुछ बातें अपने दिमाग में फिल्टर करनी पड़ेगी कि क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट। इमेजिन करें कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें कई सारे लोग हैं। आप उनकी बातचीत सुन रहे हैं, जैसे कि सक्सीड होने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आपको क्या पहनना चाहिए या फिर किस टाइप के लोगों से दूरी बनाकर रखें। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है तो आप उनकी हर बात को सही समझते हैं, क्योंकि आप भी ऑर्डिनरी लोगों की तरह ही सोचते हैं। आप भी बाकियों की तरह भीड़ का एक हिस्सा है। अगर आपको वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो खुद को जगाना पड़ेगा। यही पर कॉशियस इंजीनियरिंग काम करती है। अपना खुद का बबल बनाने का यही प्रोसेस है। आप अभी भी सेम रूम में हैं। ऑफ कोर्स आप अभी भी इसी सेम वर्ल्ड में रहते हैं, मगर आप इसमें अपना खुद का एक वर्ल्ड बना सकते हैं। कॉशियस इंजीनियरिंग का मतलब है आपका खुद का वे ऑफ थिंकिंग बिल्ड करना, मतलब ये कि उन रूल्स को तोड़ना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या हो अगर आपको सक्सेस पाने के लिए खुद का रास्ता मिल जाए? क्या हो अगर आप कोई फेमस फोटोग्राफर या कोई एक्टर बन जाए? अगर ऐसा हो तो यही सही मायनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। कॉशियस इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाने के लिए रूल्स खुद से क्रिएट करेंगे। आपके हाथ में चॉइस रहेगी, जिससे आप दूसरों के जजमेंटल नेचर का विक्टिम होने से बच सकते हैं। अगर आपके पास कॉशियस इंजीनियरिंग है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो पहन सकते हैं, जिससे चाहे उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। आपकी कॉशनेस एक कंप्यूटर की तरह है जिसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती रहती है। आज से सालों पहले विंडोज 95 हुआ करता था, आज आपके पास जरूर विंडोज 10 होगा। अपग्रेड करना बहुत जरूरी है ताकि ये कंप्यूटर बेटर और फास्टर चलता रहे। ठीक ऐसे ही आपकी कॉशियसनेस भी इवोल्व होती रहे। विंडोज 95 किसी पुरानी थिंकिंग की तरह है, मगर आप चाहे तो खुद को विंडोज 10 में अपग्रेड कर सकते हैं। अपनी लाइफ में ऐसे बिलीफ्स इंजीनियर करें जिससे लाइफ बेहतर हो जाए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि विंडोज 95 अब आउटडेटेड है, ये अब चलता नहीं है, तो अभी भी इसे क्यों यूज कर रहे हो। रिराइट योर मॉडल्स ऑफ रियलिटी। क्या आप बचपन में कभी बुली हुए हैं, यानी बचपन में आपको तंग किया गया है? जब आप छोटे होते हैं तो अक्सर खुद को बचा नहीं पाते हैं। आपकी खुद की चॉइस नहीं होती है, बल्कि जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स करते हैं आप उसी पर बिलीव करते हैं। वो थॉट, वो बिलीफ्स, वो आइडियाज जो आपको अपने एनवायरमेंट से मिलते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। जो आपके पेरेंट्स ने बताया वही आपका सच बन जाता है। आप भी उन्हीं चीजों को मानने लगते हैं जो आपके आसपास वाले मानते हैं। आप शायद ये बात जानते नहीं होंगे, मगर जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं यही बिलीफ्स अपने साथ कैरी करते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। अगर आप कभी बुली हुए हैं तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि मुझे खुद को प्रूव करना है। हो सकता है कि इसी बात से आपको मन लगाकर पढ़ाई करके स्कूल के बाद एक शानदार करियर बनाने की इंस्पिरेशन मिलती हो, मगर ये सच नहीं है। आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप जो है जैसे है बहुत अच्छे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए जो चाहिए आपके पास मौजूद है। आपको तो बस अपना मॉडल ऑफ रियलिटी बदलने की जरूरत है। लेखक विशेन लाखियानी मलेशिया में पले बढ़े हैं। जब वो बच्चे थे तो उनको भी बुली किया गया था, क्योंकि वो माइनॉरिटी से आते थे। वो अपने क्लासमेट से अलग दिखते थे। बाकी बच्चे चाइनीज ओरिजिन थे, जबकि विशेन नॉर्थ इंडिया से थे। बाकी बच्चे अक्सर उन्हें चिढ़ाया करते।
जब वे अपने टीन ईयर्स में थे, विशेन ने एक एक्सपर्ट स्कूल से पढ़ाई की, यानी इस स्कूल में ज्यादातर बच्चे किसी दूसरे देश से थे। वहाँ बाकी बच्चों के साथ उनको नॉर्मल फील होता था, लेकिन उनकी एक दूसरी प्रॉब्लम थी। अपने टीन एज में उन्हें सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके चलते लोग उनको पिंपल फेस भी बुलाते थे। इससे उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गया था। वो खुद को मोटे चश्मों के पीछे छुपाने की कोशिश किया करते थे। बचपन के ये दिन उन पर भारी पड़ने लगे थे। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे खत्म हो गया था। मिशिगन यूनिवर्सिटी में आकर भी विशेन एक टिपिकल गीक थे। उन्हें जब तब अपने टूटे ग्लासेस को टेप से जोड़ने की जरूरत पड़ती रहती। मुश्किल से ही वो दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाते थे। विशेन तब 22 के हो चुके थे, मगर अभी तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि किसी लड़की को प्रपोज कर सके। मगर एक दिन एक बदलाव आया। उनके स्कूल में एक दास था। विशेन ने बहुत ज्यादा बियर पी ली थी। वो नशे में थे और शायद इसीलिए वो एक खूबसूरत लड़की के साथ डांस करने की हिम्मत जुटा पाए। उस लड़की का नाम था मैरी। विशेन उसे कई सालों तक देखते रहते थे। उन्हें लगता था कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और इसीलिए वो उनकी पहुंच से कोसों दूर थी। विशेन को आज तक उसके करीब जाने का मौका नहीं मिला था, शायद ये नशे की वजह था। जब वे मैरी के साथ डांस कर रहे थे तो उन्हें मौका मिला और उन्होंने उसके बेहद करीब आकर उसे किस किया, मगर फिर जल्दी से पीछे हट गए। उन्होंने मैरी से माफी मांगी। विशेन को लगा शायद मैरी बुरा मान गई, लेकिन वो नाराज नहीं थी। उल्टा उसने विशेन से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम तो बहुत हॉट हो यार। और फिर वो भी उन्हें किस करने लगी। वो रात उनके कॉलेज लाइफ की बेस्ट रात थी। अगली सुबह विशेन एक डिफरेंट व्यू के साथ उठे। अगर मैरी को लगता है कि वो अट्रैक्टिव है तो हो सकता है बाकी लड़कियां भी ऐसा ही सोचती होंगी। हालांकि उनके अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन विशेन को एक नया मॉडल ऑफ रियलिटी मिल चुका था। तो ऐसे ही आपके साथ भी कुछ गलत नहीं है। लोग जो आपकी कमियां बताते हैं झूठ बोलते हैं। आप में एबिलिटीज है, टैलेंट है और नॉलेज भी है। जीने के लिए अपना सिस्टम अपग्रेड करें। एक बार जब अपनी थिंकिंग चेंज कर लेंगे तो आपके जीने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। अगर आपकी नई रियलिटी स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड है तो आप पुराने सिस्टम से छुटकारा पा सकते हैं। सोचिए जरा, आप बचपन से इसी सोच के साथ जी रहे हैं तो इतनी आसानी से ओल्ड आइडियाज से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपकी फाउंडेशन जरूर बढ़िया होनी चाहिए। आपके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए जिससे आप ओल्ड हैबिट्स की तरफ वापस ना जाए। ऐसे 3 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना लिविंग सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप है रिसर्च। आपको लाइफ में अप्लाई करने के लिए नए आइडियाज ढूंढने होंगे। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, रेगुलरली हिंदुस्तान बुक्स क्लब की समरी सुन सकते हैं। आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं या ऐसे वीडियो देख सकते हैं जो इसमें आपकी हेल्प कर सके। आपको ओल्ड आइडियाज का रिप्लेसमेंट ढूंढना ही होगा। जितनी दुनिया अब तक आपने जानी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। सेकंड स्टेप है रिफ्रेश। हर सिंगल डे को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थर्ड स्टेप है अपनी प्रोग्रेस मेजर करें। आपका नया सिस्टम कितना स्ट्रोंग है, क्या आपके नए बिलीफ्स वाकी पुराने वाले से बेटर है। खुद को टेस्ट करना जरूरी है जिससे आप ओल्ड बिलीफ्स की तरफ वापस ना जा पाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको वेट लॉस करना है, लोग कहेंगे कि ये नहीं हो पाएगा। आपके फ्रेंड्स फास्ट फूड खाने पर आपको चिढ़ाएंगे। अपने मोटेपन की वजह से फेसबुक पर आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। लेकिन आप चेंज होना चाहते हैं तो लोगों की ओपिनियन आपके काम नहीं आने वाली। आपको इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे बेनिफिट हो। ऐसा खाना खाएं जो आपका वेट लूज करने में हेल्प करे। अगला स्टेप है खुद को चैलेंज करें। अपने वर्कआउट में ज्यादा रिपीटेशन ऐड करें। अगर चीज बर्गर खाना आपको बड़ा पसंद है तो जब भी ये आपके सामने आए उस टाइम इसे खाना अवॉइड करें। जितनी बार भी आप ऐसा करने में कामयाब रहे उसे अपनी विक्ट्री समझे और फिर अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करें। आप में कितना चेंज आया, क्या आप ये नया बॉडी वेट मेंटेन कर पाएंगे, क्या आपको बेटर फील हो रहा है। ये आपकी लाइफ है तो आपको सारे बहाने छोड़ने होंगे। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करना होगा। किसी भी कीमत पर समझौता ना करें। आप कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिटी को बेंड कर दे।
जिस वर्ल्ड को आप जानते थे अब आप उससे फ्री हो चुके हैं, तो उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें जो आपने क्रिएट किया है। आपकी लाइफ इससे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। अब आप पहले से बड़े बन गए हैं और पहले से ज्यादा बड़ा करने के लिए रेडी है। रियलिटी बेंड करना ऐसे है जैसे आपका ये बिलीव होने लगे कि लक हमेशा आपके साथ है, ये यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बना रहा है। से का मतलब कि आप सब कुछ कर सकते हैं, अब कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है आपके लिए। लेकिन आप ये अचीव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक विजन रखें। हर दिन आपको उस गोल की तरफ बढ़ना है। दूसरा है हमेशा खुश रहने की आदत। अब ये अगर मगर वाली सिचुएशन नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि अगर मैंने ये गोल अचीव कर लिया तो तभी मैं खुश रहूंगा, लेकिन ये रॉन्ग अप्रोच ठीक है। रियलिटी बेंड करने से मतलब है कि प्रेजेंट में जिए। इसका मतलब है कि अपने विजन पर रहते हुए हर दिन को पूरा एंजॉय करें। इस तरह आपको अपना काम कभी बोझ नहीं लगेगा। अपने विजन को परस्यू करते टाइम भी उतने ही खुश रहे जितना उसे हासिल करने पर होते हैं। पास्ट में हुए फेलर्स को बीच में ना आने दे, ना ही फ्यूचर के ड्रीम्स में खुद को गुमा दे। इसके बदले प्रेजेंट में अपनी लाइफ से खुश रहे। आपको जो भी लाइफ में मिला है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करे। अपनी खुशियों को किसी गोल से बांध के न रखे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका एक स्टार्टअप बिजनेस है। सब बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई कालामिटी या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर अपने फ्यूचर की सक्सेस से आप अपने आज की खुशियों को जोड़ेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप अपने साथ काम करने वालों को भी अफेक्ट करने लगेंगे, आप में हार मान लेने की टेंडेंसी आ जाएगी। लेकिन आप ऐसा होने से रोक सकते हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि कैसे रियलिटी बेंड करनी है, तो क्या हुआ अगर आपका स्टार्टअप फेल हो गया? इसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश करें, यही राइट अप्रोच है। अगर माइंडसेट राइट है तो आपको समझ आएगा कि फेलियर तो किसी भी जर्नी का एक पार्ट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स जानते हैं कि हैप्पीनेस अंदर से आती है। अब एलोन मस्क को ही ले ले, ये वही है जो स्पेसएक्स, टेस्ला मोटर्स और सोलर सिटी के ओनर है। एलोन मस्क स्पेस रॉकेट्स और सोलर पावर वाली इलेक्ट्रिक कारें बनाते हैं और इनसे बिलियंस कमाते हैं। वे हर महीने स्पेस में एक रॉकेट शिप्स भेजना चाहते थे। वे एक ऐसा ट्रेन सिस्टम बनाना चाहते थे जो सोलर पावर से चले, क्योंकि वाई नो था। एलोन मस्क काफी रूल्स तोड़ते रहे हैं। जो उन्होंने मिला उससे वे खुश है। वे हर दिन अपने इंजीनियर्स को देखते हैं, उन मशीनों को चेक करते हैं जो उनकी कंपनी बनाती है, यहाँ तक कि वीकेंड में भी काम करते हैं। लोगों के क्रिटिसाइज की परवाह किए बगैर वे हमेशा अपना काम करते रहे। एक टाइम ऐसा भी था जब एलोन मस्क बैंकक्रप्ट होने की कगार पर थे। उनकी इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप फेल हो गई थी, उनके रॉकेट शिप्स उड़ते नहीं थे। हर फेल लॉन्च पर उनके मिलियंस खर्च होते थे। फिर प्रेस उनकी हर फेलियर लॉन्च की जमकर धज्जियां उड़ाती। मगर इस सब के बाद भी एलोन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हैप्पीनेस फ्यूचर के रॉकेट्स या कार प्रोटोटाइप से बांध कर नहीं रखी। उनकी खुशियां उन मिलियंस से भी नहीं बंधी हुई थी जो उन्होंने लॉन्च में खर्चे किए। इधर वो बस अपना काम करते थे और खुश थे। उन्हें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनें बनाकर खुशी होती थी। आज मैं खुश रहो अगर आप अपने काम से खुश है, जो आपको मिला है उससे खुश है, तो हमेशा आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। फिर चाहे आपको देर तक काम करना पड़े, आप शिकायत नहीं करेंगे, ना ही आप थकेंगे। जैसा कि बिलियनेयर जॉन डी रॉकफेलर लिखते हैं, मुझे पहले ही सिखा दिया गया था काम के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। मेरी पूरी जिंदगी एक लंबी हैप्पी हॉलीडे रही है, फुल ऑफ वर्क एंड फुल ऑफ प्ले। मैंने फिक्र को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। डिसिप्लिन के साथ जिए। डिसिप्लिन का मतलब है डिसिप्लिन ऑफ डेली बेसिस। हालांकि फ्यूचर के बारे में ना सोचना बहुत हार्ड होता है और अपने पास्ट के रिग्रेट्स भूले नहीं जाते, फिर भी अपने प्रेजेंट में खुश रहने के लिए आपको लाइफ में डिसिप्लिन अप्लाई करना ही होगा। तीन प्रिंसिपल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। पहला है कि थैंकफुल रहे। हर रोज ऐसी 5 बातें सोचिए जिसके लिए आप थैंकफुल फील करते हैं। ये कुछ मिनट का काम है, आप अपने बिजी शेड्यूल में भी ये कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है माफ करना। सोचिए कि आप एक मेडिटेशन की क्लास में हैं। कॉन्सेंट्रेट करें, सिर्फ साइलेंस है और कुछ नहीं। उन सब लोगों को याद करें जिनकी वजह से आप कभी हट हुए हो। अपने माइंड में उनकी एक लिस्ट बनाएं। अब इमेजिन करें कि आप उन सबसे बारी बारी बात कर रहे हैं। उस पेन को याद करें जो उन्होंने आपको दिया।
अब इसके बाद खुद से पूछिए, मैंने उस आदमी के साथ अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, मेरे इस एक्सपीरियंस से मेरी लाइफ में क्या चेंज आया। और अब थर्ड प्रिंसिपल है टू गिव। खुशियां बांटने से बढ़ती है। जब आप अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर लें तो इसे दूसरों के साथ भी बांटें, दूसरों को भी खुशियां दें। अपने वर्क मेट्स को पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच करें। हमेशा एक स्माइल या सिंपल ग्रीटिंग से स्टार्ट करें। सच्ची खुशी ही आपको हर रोज काम करने की ताकत देगी। कंक्लूजन, तो इस समरी में हमें रूल्स ब्रेक करने सीखे जो हमें रोकते हैं, हमारी एबिलिटी लिमिट करते हैं। आपने नए बिलीफ्स क्रिएट करना भी सीखा जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। आपने ये भी सीखा कि कैसे खुशी से अपना काम करें। अब आपको ये हैप्पीनेस दूसरों के साथ शेयर करनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग खुद को बाकियों से दूर नहीं करते, बदले में वे उनको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में हेल्प करते हैं। दूसरे लोगों की लाइफ इम्प्रूव करना उनका विजन बन जाता है। वे लोगों को खुश रखना चाहते हैं जैसे वे खुद अपनी लाइफ में खुश है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का कोई करियर नहीं होता, उनके पास तो सिर्फ एक चीज होती है, कॉलिंग। स्टीव जॉब्स मशीनें बनाकर बिलियंस नहीं कमाना चाहते थे। ठीक यही बात एलोन मस्क और बिल गेट्स के साथ भी है। सक्सेस, फेम और पहचान उनकी अचीवमेंट का बाय प्रोडक्ट है। उन्होंने ये सब पैसे के लिए नहीं किया। मगर आपको दुनिया को लूटकर बिलियनियर बनने की जरूरत नहीं है। आप कोई पेरेंट हो सकते जो अपने बच्चे को सही ढंग से पालने की कोशिश में लगा है, या कोई सिंपल एम्प्लॉय हो सकते हैं। पॉइंट बस ये है कि आप अपना बेस्ट करें, लिमिटेशन की परवाह ना करें, अपनी कालिंग खुद ढूंढें, जो भी करें दिल से खुश होकर करें और साथ ही दूसरों को भी खुशी दे, और फिर देखें आप कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहाँ पर खत्म होती है। आप रिव्यू सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि इस समरी से आपको क्या क्या सीखने को मिला। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो आप हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं वीडियो को लाइक अनसब्सक्राइब का, कि आपके साथ जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद।